शर्मा आप यानी आपको गीत का खत मिला था? खत? जी नहीं, मुझे कोई खत नहीं मिला। वो मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। आइए अंदर आइए। जारा, ये सब मेरे परिवार वाले हैं। और ये गीत है। कुलपुत्र, जारा बहुत दूर से आई है, थक गई होगी। ऐसे करो, उसे जरा मेहमानों के कमरे में ले जाओ। जी मम्मी जी। आइए। अगर इसे तेरा खत नहीं मिला तो ये यहां पहुंची कैसे? इसी बात से तो मैं परेशान हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी मेहरबानियों के बदले ये कुछ मांगने आई है, या इसके इरादे कुछ और हैं? नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारा से बात करके आती हूं। मोहतरमा, आपका अचानक इस तरह से यहाँ आना, ऐसा क्या जरूरी काम था? जी वो बात यह है कि कुलवंत, बहुत फोन करने की कोशिश की लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई, इसलिए आपको चिट्ठी भी लिखी, लेकिन आपने कहा कि आपको वो चिट्ठी नहीं मिली, तो फिर आपका यहां कैसे आना हुआ? मेरे कुछ बताने से पहले ही आपने सब कुछ पूछ लिया। जी, मैं यहां आपसे कुछ मांगने आई हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि जो मैं आपसे मांगने जा रही हूं वह मुझे कभी नहीं मिल सकता। आपने कुलवंत की बहुत मदद की है जारा, आप जो मांगेंगी मैं दूंगी आपको। मैं आपसे इन्हें मांगने आई हूं।
बच्चा कहीं खो गया है। मैंने लोगों से सुना है कि उसे सरहद के इस पार देखा गया है, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। और सच पूछिए तो मुझे इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत सिर्फ इन्हीं से मिली है। मैं इन पर अपने आप से भी ज्यादा यकीन करती हूँ। मुझे ये भी यकीन है कि आप इन्हें मेरी मदद करने से नहीं रोकेंगी। नहीं जारा, आपने कुलवंत की जान बचाई है, इनकी बहुत मदद की है। और सिर्फ कुलवंत ही क्या, हम सब आपके बच्चे को ढूंढने में मदद करेंगे। अल्लाह आपकी खुशियों को सलामत रखे। फिलहाल मुझे इस मुल्क में रहने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अब जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, और आपके यहाँ रहने का इंतजाम मैं कर दूंगी। शुक्रिया। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है गीत। सरहद पार से आई उस औरत को हम अपने घर में रखेंगे? उसने कुल से शादी की है, यह बात ना हम किसी को बता सकते हैं और ना ही छुपा सकते हैं। और कल अगर किसी ने हमसे यह सवाल किया तो हम क्या जवाब देंगे? और सबसे हैरानी की बात यह है कि तू उस औरत को अपने घर में रखना चाहती है। इस वक्त हमें उसकी जरूरत है पापा जी। उसने अपने एक बेटे को खो दिया, अपने पति को खो दिया, और उसका दूसरा बेटा भी कहीं खो गया। फिर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि उसने मेरे कुलवंत की जान बचाई? क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए पापा जी? तेरी ये बात ठीक है पुत्र, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसे अपने घर का हिस्सा बना लें। ये औरत कौन है, किस इरादे के तहत आई है, ये तो हम नहीं जानते ना। हाँ बेटा, वीर जी ठीक कह रहे हैं, तो एक बार फिर से सोच ले। पापा जी, जो औरत अपनी जान पे खेल के कुलवंत की जान बचा सकती है, वो कुलवंत का कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगी? पापा जी क्यों समझ लीजिए कि वो अपने बेटे को ढूंढने नहीं बल्कि कुलवंत को कोर्ट मार्शल से बचाने आई है। अगर इंसानियत के नाते उसने कुलवंत की जान बचाई है तो हमें भी तो उसकी मदद करनी चाहिए ना। पुत्र तो ठीक कह रही है, मैं ही गलत सोच रहा था। तू जब तक चाहे जरा को यहां रोक सकती है। इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मेरे खिलाफ हो गया है, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूं मौसी जी। डॉली पुत्र सुन, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना तो पुत्र उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ, इधर जी, ये सब कैसी बातें करी? मैं चुप, जो मैं कह रही हूं ना मुझे करने दे पुत्र, फिर तू देख कैसे दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अब आया है सही मौका हाथ में, ये वार मैं जारा के होते हुए ही कर सकती हूं। इस घर के लोगों ने सबके सामने मुझे जलील किया था, इन लोगों के कारण ही मेरी मंदा पुत्र को घर छोड़ के जाना पड़ा।
अब मैं डॉली के जरिए ऐसी आग लगाऊंगी जो बुझाए ना बुझेगी। चल डॉली, चल मेरे साथ, आजा। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप मेहमान हैं हमारे घर में और हम मेहमान को भगवान का रूप मानते हैं। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि आप लोग इस तरह से पेश आएंगे मुझसे। एक तो मैं पराए देश से हूं और फिर मैं आपको बचाते वक्त तो आपने ये नहीं सोचा होगा ना? आप नहीं जानती जारा, आपने कुलवंत को बचा के कितना बड़ा एहसान किया है मुझे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। ऐसी क्या वजह थी जो आप मुझे यहां बुलाना चाहती थी? मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, कुलवंत के वापस लौटने के बाद। कुलवंत, जल्दी से अपना हाथ ठंडे पानी में डाल दीजिए। लग रहा है अब ठीक है? गीत, तुमने जारा से बात की? मैं उससे बात करने जा ही रही थी कि यह सब हो गया। तुम रुको, मैं उससे बात करके आती हूं। गीत, गीत, अभी अभी जो कुछ भी हुआ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं गीत। आई लव यू।
मैं जानती हूँ। सुखी तुझसे शादी करना ही नहीं चाहता और इसकी वजह है तेरी अपनी बहन गीत। पर ऐसा कैसे हो सकता है मौसी जी? ऐसा है इसीलिए तो उसने तुझे ना कहा। मैं तो कहती हूँ सुखी को भूल जा, तेरा रिश्ता उससे नहीं हो सकता क्योंकि तेरी बहन का रिश्ता उसके साथ होने वाला था। अरे ना ना डॉली पुत्र, ना रो, हो रही है तू, चुप शांत हो जा, चुप हो जा। मौसी जी आप क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डर अभी चुटकियों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने जानबूझ के ये बात कुल को सुनाई ताकि वो गीत पे अपना गुस्सा निकाले। ऐसा कैसे हो सकता है, सुखी ऐसा कैसे कर सकता है? पर सुखी तो डॉली से शादी करना चाहता है, फिर वो शादी करने से इनकार क्यों कर रहा है? कहें गीत, ये सब मैं क्या सोच रहा हूं? मेरी गीत ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। चल अभी वापस चल, चल। रुक जाइए। आपकी उम्र का लिहाज करता हूं मौसी, इसलिए अब तक चुप हूं, वरना गीत के खिलाफ बोलने वाले का अंजाम क्या हो सकता है ये सिर्फ रब ही जानता है। सीखिए मौसी, दूसरों की खुशियों में शामिल होना सीखिए, वरना कभी सुखी नहीं रह पाएंगे आप। गीत ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है कोई नहीं कर सकता। और डॉली तुम, जरा भी अंदाजा है तुम्हें कि गीत कितना प्यार करती है तुमसे, अपनी जान छिड़क दिया तुम पर वो, और तुम ये सब। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मांगने आई थी। मुझ जैसी औरत भला आपको क्या दे सकती है? पर फिर भी आप कहिए, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आपकी मदद करूंगी। बस में सिर्फ आपके ही है जारा। मैं जानती हूं कि आपके और कुलवंत का निकाह हो चुका है।